लोकसभा चुनाव निकट आ चुका है और जो 40 का तिलिस्म है वो टूट नहीं रहा है, ना ही इसे महागठबंधन तोड़ रही है, ना ही इसे एनडीए खेमा तोड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, ये कोई पाला सेट ही नहीं कर रहा है और यही वो कारण है जिस कारण से एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो 40 का तिलिस्म उनका नहीं टूट रहा है। सर, कहीं ना कहीं आपने दोनों दल को मजबूर कर दिया है, अभी तक जनवरी आ चुकी है, वो दोनों अपने किसी भी डिसीजन को नहीं ले पा रहे। नहीं देखिए, मेरा पहले से ही एक ही एजेंडा है कि खास करके निषाद समाज को हक अधिकार दें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में उन्होंने वादा किए थे कि हम आपके समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन 3 साल बीत गया, उन्होंने अभी तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो एजेंडा है उस पर हम लोग डटे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को या एनडीए को नेता को सोचना है कि हमारे समाज को किस तरीके से सुविधा दे, किस तरीके से उनको खुश कर सके और किस तरीके से उसको भरोसा जीत सके। जब तक वो भरोसा जीतने का काबिल नहीं होंगे तब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसका पूरा कोशिश है कि कैसे न कैसे मुकेश सहनी हमारे साथ आए, लेकिन हमारा पूरा एक ही ध्येय है कि हम अपने समाज के साथ हैं और जब तक हमारे समाज के साथ जो वादा किए उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तब तक मैं कोई भी अपना पता नहीं खोलूंगा। चलिए, ये तो एनडीए का हुआ कि एनडीए साथ नाराज चल रहा है, लेकिन राजद के कई बड़े नेता हैं, महागठबंधन के कई बड़े नेता हैं जो मुकेश सहनी को लगातार निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए महागठबंधन में। निश्चित तौर पे उधर भी संपर्क में है, बड़े बड़े नेता डायरेक्ट संपर्क में है और उधर भी बातचीत चल रहा है और जाहिर सी बात है हमारे समाज की जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे समाज को जो भी हक अधिकार दिलाएंगे, जो उनके आवाज को अपने आवाज में उठाएंगे तो हम उनके साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उधर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारे साथ आ सकते हैं जब एनडीए में बात नहीं बनेगा। तो निश्चित तौर पे सबका अपना अपना व्यू है अपना पार्टी चलाने का और निश्चित तौर पे आज ये मजबूती में पहुंच चुका है बिहार में निषाद समाज की। आज निषाद समाज के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, ये हमारे संगठन के लिए पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि आज हम लोग बिहार में एक खेमा बना के बैठे हैं जिनको हर किसी को निषाद समाज को वोट चाहिए तो वो इंतजार और पेशेंस रख रहा है कैसे भी हमारे साथ आए। जी, 5 बड़ी रैलियां कर चुके हैं आप, 5 बड़े जिलों में जा करके आप जनता के बीच जाते हैं, क्या जनता जो है इस वक्त मोदी खेमे के सपोर्ट में है या उसे नाराज चल रहा है? देखिए, किसी के सपोर्ट में आज की तारीख में तो नहीं है जनता। जनता सीधा संगठन और पार्टी को भी देख रहा है कि हमारी संगठन और हमारी पार्टी जो निर्णय लेगा उसके साथ हमें चलना है और पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि समाज को निषाद समाज को हक अधिकार दिलाना। तो हमारा, हम भी अपने आप में अटल हैं कि हमारे लिए सबसे पहले सबसे सर्वोपरि हमारे लिए हमारा समाज है। निषाद समाज के सभी 21 उपजाति हैं, 44 टाइटल हैं, बिहार में 2.25 करोड़ निषाद है, उनके लिए हमारे पार्टी का एकदम सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि उनके लिए हक अधिकार की बात करें और जनता भी जो भी निषाद समाज के हमारे भाई बंधु हैं उनको भी एक ही चीज़ का आज है कि हम अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे। हमारे लिए ना कोई मोदी हो या ना महागठबंधन हो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जो हमारे अधिकार को आवाज को उठाएगा बुलंद करेगा हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, सत्ता तभी चलेगी जब समाज को साथ रखा जाएगा और निषाद समाज ने यह ठान लिया है कि जो उनके हक की लड़ाई को लड़ेगा उनके साथ ही रहेंगे निषाद समाज के मुकेश सहनी जी। जुड़े भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से, 2019 का जो चुनाव है वो नजदीक आ गया है, इंटरटेनमेंट की कमी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि सारे नेता जो है वो भिड़ने लगे आपस में। जुड़े हमारे साथ, हम हर भिड़न से आप रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।